सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, की हाल चाल सारे, सत श्री अकाल, नमस्कार, अदाब। और मैं आपका अपना छोटा भाई साहिल। आज है भाई अपन कारगिल में, तो कल शाम वाला व्लॉग आपने देख ही लिया होगा। और भाई आज निकलने वाले हम सीधा जम्मू के लिए वाया श्रीनगर बाईपास। भाई अभी अभी ना नीचे सारा सामान पहुंचा के आया हूँ, बस एक रह गया पैनियर और एक वो टैंक बैग, और वहां रखे मेरे गियर्स। जल्दी से रेडी होके निकलते हैं, टाइम हो चुका है सुबह के 8:30-9 बजे तक मैक्स टू मैक्स यहाँ से निकल जाएंगे। नितिन भैया वगैरह सब लोग रेडी हैं, नितिन भैया, विकास भैया, धीरज भैया भी रेडी हैं, धर्मेंद्र भैया नीचे पहुंच चुके हैं सामान वामान लोड करने के लिए। बस मैं सबसे लेट हूँ, पैकिंग शैकिंग तो करके डन हूँ, बस व्लॉग स्टार्ट करना था। राइडिंग गियर्स पहनने हैं एंड देन उसके बाद ये पैनियर उठा के लॉक करना है नीचे जाके, फिर निकलते हैं यहाँ से। जल्दी से मिलते हैं आपसे डायरेक्ट गोप्रो पर। सो हेलो जी, अब हो चुका है निकलने का टाइम, करते हैं कारगिल को बाय बाय। और सब ने अपनी बाइक्स वार्म अप कर ली हैं, मैंने भी अपनी बाइक वार्म अप कर ली। और साथ ही साथ रात को कल यार मैं सेना चार्ज करना भूल गया था, तो अभी मैंने यहाँ पर चार्जिंग पे लगाया हुआ है। पेट्रोल कैन एक भाई फट चुकी है, एक ही थी तो वो मैंने रिफ्यूल कर दी है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टूवर्ड्स जम्मू, और अभी देखते हैं रास्ते में कहीं शायद ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि यार रास्ते में ना फिर मैगी और ऑमलेट के अलावा कुछ मिलना नहीं है। और मैं चाह रहा हूँ यार सुबह सुबह अच्छे कोई पराठे शराठे मिल जाए तो मज़ा सही आ जाएगा यार। सो चलो जी अपने निकल जाए। और ये था भाई अपना होटल कारगिल टूरिज्म। अरे भाई उतर जा दादा। अरे मम्मी, इसको उतारना बहुत भारी काम है यार, खास करके लोड करने के बाद ना थोड़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। और ये देखो भाई सुबह सुबह वादियाँ, ओए होए होए सुबह वो तो ऐसी हो भाई, उठते ही व्यूज़ ही व्यूज़ मिल जाए तो चाहिए क्या आदमी को। फिर अभी यहाँ से श्रीनगर रहता है करीबन भाई 150 किलोमीटर, और वहाँ से करीबन 350 किलोमीटर है जम्मू। मतलब अगर आज टोटल राइड की बात करी जाए तो 450 से 500 किलोमीटर की राइड होने वाली है। ओए होए होए, ये वादियाँ, ये वैली साथ में, क्या ही व्यू है भाई। सच में सुबह सुबह अगर ऐसी हो ना तो दिन बिल्कुल परफेक्ट जाएगा 100%। ये भाई वीआर वाले 24 घंटे लगे ही रहते हैं बेचारे यार, इनकी माननी पड़ेगी। लुक एट द लोकेशन भाई, क्या ही लोकेशन है, सेक्सी मज़ेदार। और यहाँ बैठ के करेंगे हम ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह सुबह की जो ये धूप है ना बहुत प्यारी लग रही है, सच बता रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सोच तो ही रहे कि जम्मू पहुँच जाए सोनमार्ग जोजिला श्रीनगर को क्रॉस करते हुए। हमने ऑर्डर दिया है 2 पनीर पराठे, 2 आलू प्याज पराठे और एक देखो कोई बात फ्रेंच टोस्ट ले लो यार, जब पसंद आएगा तब ले लो। तो आने दो, फिर देखते हैं क्या खाना है क्या पीना है। सो आज की ब्रेकफास्ट लोकेशन थी भाई ये, और नाम वगैरह तो कुछ लिखा नहीं हुआ, बट स्टिल यार खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था ब्रेकफास्ट। जो आलू प्याज के पराठे थे ना, मज़ा आ गया, सच बता रहा हूँ। और सबने एक साथ खाया तो इतना ज़्यादा खा लिया है कि मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, बस मन कर रहा था यहीं रुक जाओ, रेस्ट करो। एंड लुक एट द व्यू, इस लोकेशन के साथ कौन कौन भाई पराठा एंजॉय करना चाहता है मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना, मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टूवर्ड जम्मू वाया सोनमार्ग, गुलमार्ग एंड श्रीनगर। अभी है यहाँ से भाई 400 किलोमीटर और, तो चलो जी निकला जाए अब। भाई क्या लोकेशन थी, ये थी हट भाई जहाँ बैठ के हमने अपन ने ब्रेकफास्ट किया अपना। एंड लुक एट द व्यू भाई, क्या ही मस्त व्यू रहा है। और साथ में ये वैली देखो भाई, ओए होए होए, बिल्कुल पास में है। वहाँ देखो भाई कितनी बर्फ़ है यार, आई थिंक वो शायद से सोनमार्ग है, शायद से, नॉट बी श्योर, बट सोनमार्ग पे भी अपने को अच्छी लेवल की बर्फ़ मिलने वाली है। और ये आ चुका है भाई एक चेक पोस्ट एंट्री पोस्ट, मतलब यहाँ पे आपको एक अपनी एंट्री करवानी पड़ेगी बिकॉज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और भाई ये देखो ऊपर दिल्ली 1006, ये था भाई चेक पोस्ट, यहाँ करवाए मैंने और भैया ने फोटोज। और यहाँ चल रहा है भाई जोजिला टनल का काम, तो शायद मुझे लगता है 1-2-3 साल बाद ही टनल जब रेडी हो जाएगी तो उसके बाद जोजिला पास भी बंद। मतलब एक मान के एक बात ये मानो कि आप है ना कि सारे एडवेंचर बंद होते जा रहे हैं, टाइम यही है, कर लो मज़े कर लो, एडवेंचर ट्रेल करना है तो भाई करो अभी, और व्यूज़ और सिर्फ नॉर्मल अगर अच्छे रूट्स चाहिए तो बाद में करना, करीबन 3-4 साल बाद। जंस्कार भी रेडी हो जाएगा, ले रेडी हो चुका है, कश्मीर टू ले बहुत सेक्सी रोड है, मनाली वाला रोड भी बहुत अच्छा बन चुका है, तो मतलब टोटली बात अगर की जाए तो एडवेंचर ख़त्म होता जा रहा है।
भाई ये जो सामने आपको हिल दिख रहा है ना, इसका नाम है चरित्रता हिल। और ये भाई मैंने अभी पहली बार सुना है नाम भी और देखा भी मैंने पहली बार, तो मैंने सोचा यार सबों को दिखा देता हूँ। एंड दिस इज़ द मुकुंद हिल, ये ऊपर नाम लिखा हुआ है मुकुंद हिल। एंड दिस इज़ द ज़ोज़िला वॉर मेमोरियल, ये यहाँ से ऊपर जाके है शायद से ज़ोज़िला वॉर मेमोरियल। और यहाँ एक मंदिर भी है प्राचीन शिव, और यहाँ एक मंदिर है भाई प्रवेश द्वार प्राचीन शिव मंदिर। वेलकम टू कैफे गुमरी। इस जगह भाई स्नो ज़्यादा पड़ती है तो ये कभी भी रोड नहीं बन सकता, हर साल बनाते भी हैं तो स्नो के साथ सब ख़त्म हो जाता है। तो बस ये थोड़ा सा पैच है करीबन 5-6 किलोमीटर का, तो इस रोड को और एक ज़ोज़िला पास वाले को थोड़ा सा स्किप कर देना, बाकी सच में रोड बहुत अच्छा है। वेलकम टू सोनमार्ग, तो ये है भाई सोनमार्ग और यहाँ चल रहा है बीआरओ का काम, काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं भाई। भाई ये ज़ोज़िला पास है यार, यहाँ एक फ़ोटो बनता है मेरा। लुक भाई ज़ोज़िला पास 0 point altitude 11,649 feet। हाँ, ठंड भी अच्छी खासी है भाई यहाँ तो। चलो, और ये है भाई सोनमार्ग, बर्फ बहुत ज़्यादा काली हो चुकी है पॉल्यूशन के चक्कर में, और दुनिया भाई क्या कर रही है मुझे नहीं समझ आता। और ये है भाई ज़ोज़िला पास, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सोनमार्ग है, सॉरी हाँ ये है सोनमार्ग, काफ़ी अच्छा लग रहा है बट बर्फ बहुत ज़्यादा काली हो चुकी है। लास्ट टाइम जब मैं आया था मैं नीचे तक गया था बाइक लेके, बहुत अच्छा लगा था भाई सच में, बहुत मज़ा आया था। आई थिंक ये लोग नए वाले रोड से जाएंगे बट मैं जो है ओल्ड रोड से जाऊँगा, ओल्ड ज़ोज़िला पास। वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, बहुत ज़्यादा डरावना है सच में। मैंने उसको Z9 से अकेले क्रॉस किया था, एंड एक बार मैं 4-wheeler से आया था तब मैंने वो रात में क्रॉस किया था। आई वॉज लाइक भाई डर लग गया था मुझे सच में, लैंडस्लाइड ना मिले क्योंकि इस रोड पे ना बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड मिलती हैं। बस भगवान इसी चीज़ की कृपा करना, लैंडस्लाइड ना मिले, नहीं तो मुझे वापस आना पड़ेगा पूरा। मोस्टली भाई ये सारा रूट बना दिया है, कंप्लीट कर दिया है, नहीं तो लिटरली बता रहा हूँ पहले मैं इस रोड से निकला हुआ हूँ। बहुत ख़तरनाक डेंजर रूट था भाई, ये रोड्स बहुत अच्छे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं भाई। नहीं तो ये रोड वो था यहाँ से लेके वो जो आपको वहाँ दिख रहा है ना, पूरा ऐसे से गोल 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 में ट्रैफिक हुआ करता था। बट अभी तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है सच में यार, और ये साल दो साल में ये भी सब ख़त्म हो जाएगा आई एम डैम श्योर, क्योंकि एडवेंचर जो है भाई दिन पर दिन अब ख़त्म होता जा रहा है। लुक एट द वैली गाइस, कितनी प्यारी लग रही है नीचे वैली, और वो ऐसे पूरा घूमता हुआ रोड, इसको कहते हैं भाई ज़ोज़िला पास। देख के आदमी खौफ में आ जाए रात में, अगर इसको देख लेना भाई, मैंने देखा है आदमी खौफ से भाई डर जाए। और मैं जो रोड पे जाने की बोल रहा था वो ये जस्ट नीचे वाली रोड है, काफ़ी अच्छी रोड बनी हुई है ये भाई, फुल ऑफ रोड है यार। मतलब इस पे जाने का मन था मेरा बट वो वहाँ बंदा बैठा हुआ था, साथ में पत्थर लगाए हुए थे, और उसने मना भी कर दिया कि नहीं भैया इस रूट पे मत जाओ प्लीज़। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपने मना कर दिया तो नहीं जाऊँगा यार। एंड आपको वो ब्लू टेंट दिख रहे होंगे, वो भाई बालटाल यात्रा के लिए है, अमरनाथ यात्रा के लिए है वो। और भाई ये लुक है ना मेरे को सबसे डिफरेंट लगता है पूरे इस दुनिया में, सबसे डिफरेंट मेरे को यही चीज़ लगती है। देखो भाई और ये भाई अपनी आर्मी अब पूरे टाइम लगी रहती है, हर सेवा में हाजिर है भाई। और नीचे हो चुके बालटाल की, अमरनाथ जी की यात्रा चालू। ओए होए होए क्या ही लुक आ रहा है भाई, क्या ही लुक आ रहा है, ओए होए होए क्या ही रूट बना हुआ है भाई। अब थोड़ा मन भी कर रहा है चलाने का ऑफ रोडिंग पैच पे सुपर बाइक से, और ये भाई हायाबूसा से कर रहे हैं। हायाबूसा से भाई मेरा भी ड्रीम था करने का बट मैं इतनी रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं और नितिन ने रुके थे भाई कुछ फोटोग्राफ कराने के लिए, और ये है भाई नीचे बालटाल की यात्रा, जो कर ले तो मज़ा आ जाए भाई। बैटरी चार्जिंग पे लगा दूँ क्योंकि बैटरी हो गई है डाउन, तो रास्ते में आपको व्यू भी दिखाने हैं, तो काम करके चलो अपना पूरा। लुक एट दिस ग्रीनरी मैन, क्या ग्रीनरी है भाई, ऑसम यार। ज़्यादा देखूंगा तो चक्कर आ जाएंगे, और मैं ग्रीनरी के पास पहुंच जाऊंगा तो उससे बेटर है आप लोग मज़े लो नज़ारे के, मैं सड़क पे देखता हूं।